बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू कुकूज किचन। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन स्टीम नली, जिसके लिए हमने लिया है लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हमने लिया है काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिया है गरम मसाला, 1 टीस्पून ही हमने लिया है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हमने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 नींबू, इसका हम रस इस्तेमाल करेंगे, 1/2 प्याली हमने ली है दही, 1 टेबल स्पून हमने लिया है लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका और जायफल जावित्री हमने ली है 1 टीस्पून। अब हम इसके ऊपर लेमन का जूस लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम एक जो हमने लेमन लिया था, हम उसका जूस इसके ऊपर लगा के इस तरह से हम इसको थोड़ी देर के लिए, 1/2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे अच्छे तरीके से, ताकि जूस इसमें अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। हम इसको 1/2 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे दोनों साइडों से लगा के। हम इसको 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। जी व्यूअर्स, अब हमें चाहिए 1 अदद बाउल, और इसके बीच में हम दही ऐड करेंगे, जो कि हमने 1/2 प्याली ली है, जो कि तकरीबन 4 टेबल स्पून बनती है। अब हम इसके बीच में तमाम मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें गर्म मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च का पाउडर, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। लाल मिर्च का पाउडर और नमक भी हस्बे जायका इसमें हम ऐड कर देंगे, और जायफल जावित्री का पाउडर है कुटी हुई है जो, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अदरक का पेस्ट और जो हमने लहसुन का पेस्ट लिया है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके इस मसाले को भी हम 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप इसको अच्छे तरीके से, आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आप इसको फ्रिज में रख दें 1/2 घंटे के लिए। इस बैटर को नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, अब हमारे मसाले को 1/2 घंटा हो चुका है, अब हम इसको नली के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता किसी चम्मच की मदद से आप आहिस्ता आहिस्ता इसको लगा लें। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार, और इसका बहुत ही शानदार इसका टेस्ट आएगा। इसको लगा के हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मसाला हमने तमाम जो था नली के ऊपर अप्लाई कर लिया अच्छे तरीके से। आप हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मसाज कर करके इसको आप मसाला लगा लें। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ढाँप के, उसके बाद हम इसको अगला प्रोसीजर इसका स्टार्ट करेंगे। जी व्यूअर्स, नली हमारी हो चुकी है, ये देखें 4 घंटे हो चुके हैं उसको इसको मैरिनेट हुए हुए। अब हम इसके लिए बड़ा सा बर्तन लेते हैं, पतीला, उसके बीच में हम पानी डालते हैं। एक बड़ा सा हमने पतीला ले लिया, अब हम इसके बीच में पानी डालेंगे। पानी हम उतना ही डालेंगे जिसके बीच में हमारा स्टैंड लग जाए। स्टैंड को बिल्कुल डिप नहीं करना, स्टैंड को उतना ही रखना है, पानी इसके साथ बिल्कुल भी टच ना करे। इसके ऊपर ना, स्टैंड के ऊपर हम एक पेपर रखेंगे। आप न्यूज़पेपर मत यूज़ करिएगा, क्योंकि वो प्रिंटेड होता है। अब हम इसको नली को इसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। दोनों को इस तरह से हम सेट कर देंगे, पानी में जैसे जैसे बॉयल आएगा ये हो जाएगी। पतीले का ढक्कन होगा, हम उसके ऊपर दस्तरखान इस तरह से रैप करके हम उसको, ताकि उसकी स्टीम बाहर ना निकले, उसको हम बंद कर देंगे। आप आटा भी लगा सकते हैं। अब हम इसको 1 घंटे के लिए बंद कर दिए, हम इसको अब 1 घंटे के बाद ही खोलेंगे। जी व्यूअर्स, अब 1 घंटा हो चुका है, अब हम देखते हैं इसको, इसको खोलते हैं। ये देखें, नली जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये देखें। अब हम इसको देखें डिश आउट करने लगे हैं, बिल्कुल गोश्त गल चुका है जैसा कि हमें चाहिए था। ये देखें, स्टीम की वजह से ठीक से पता नहीं लग रहा। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा आया है, गोश्त बिल्कुल गल चुका है,
और ये हड्डी भी आपको देख आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल साफ से क्लियरली नज़र आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये सब डिश में कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना खूबसूरत इसका कलर है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा वीडियो को। इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।